हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी आरवीएनएल टीजी 2 के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, टेक्निकल के लिए, रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए और जीके पोर्शन के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूपी आरवीएनएल टीजी 2 का लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और उसमें आपको घर बैठे अच्छी तैयारी कराई जाएगी। बात करें अगर कि यूपी आरवीएनएल में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी, तो देखिए बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं बट अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जो बुक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। अगर बात करें सबसे पहले टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अच्छी हैं, तो उनमें से कुछ बुक्स मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बुक सभी के पास होती है, मोस्टली जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं उनके पास होती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से भी ज्यादातर लोगों के पास में होगी। ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। इसमें एमसीक्यूज रहते हैं सिर्फ और सिर्फ, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें लिखे होते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी बुक आप देख सकते हैं, ये है एके मित्तल की अरिहंत पब्लिकेशन की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें डीपली सब कुछ दिया हुआ है और ये भी आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट्स के पास होगी और आप लोग में से काफ़ी लोग इसे पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव की बुक और आती है, वो है आपकी वाईडी शर्मा की। ये भी आपके सामने देखिए स्क्रीन पर लिख रही है, इसको भी आप लोग मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, वो आपको आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये सब बुक्स भी ठीक हैं, अच्छी हैं और आप अगर इनमें से कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये तो हो गई वो बुक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी हैं। तो इनमें से एक बुक तो आप लोग एटलीस्ट ले ही लीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इनमें से एटलीस्ट एक बुक तो लेंगे ही और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके खुद के जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे उनके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्योरी कर सकते हैं। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल विजन की, तो इलेक्ट्रिकल विजन भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है टेक्निकल का। तो टेक्निकल के स्टडी मटेरियल के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल विजन के स्टडी मटेरियल और बाकी स्टडी मटेरियल में फर्क क्या है, देखिए हम लोगों का जो स्टडी मटेरियल है वो आपका टू द पॉइंट है, चैप्टर वाइज उसमें थ्योरी लिखी हुई है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर वाइज जो हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हमने नोट डाउन किए हैं। जो लैंग्वेज है वो काफी इजी है। देखिए बुक और मटेरियल में फर्क यही होता है कि बुक में सब कुछ लिखा होता है जो आ भी सकता है और जो नहीं भी आ सकता है, जितना जरूरी है वो भी और जो जरूरी नहीं है वो भी लिखा होता है। बट मटेरियल में क्या है, मटेरियल में टू द पॉइंट होता है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है वो सब चीजें पॉइंट वाइज लिखी होती हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि मटेरियल लेने का इच्छुक है वो व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकता है। अब बात करते हैं कि हम लोग जीके की कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जीके की रिलेटेड बुक्स आपके सामने आ रही होंगी। सबसे पहले देखिए आप क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ है कि ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान जीके, ये सबसे कॉमन बुक है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये बुक होगी, तो ये भी काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जीके की सामान्य ज्ञान दृष्टि द विजन की एक बुक आती है, उसके अलावा सामान्य ज्ञान विद्यापीठ टाइम्स की बुक्स आती हैं। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की जो मैं आपको बुक रेफर करूंगा वो है आपकी एस चांद पब्लिकेशन की। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर इसकी फोटो बन के आ रही होगी, एस चांद पब्लिकेशन की सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, और इसके अलावा तर्क शक्ति परीक्षण ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी एस चांद पब्लिकेशन है। इसके अलावा तीसरी बुक अरिहंत की है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण। ये तीनों बुक अच्छी हैं और तीनों में से आपको जो सी सही लगे वो आप मार्केट से ले सकते हैं। इसके बाद आता है हिंदी का पोर्शन, और हिंदी में जो बुक्स मैं आपको रिफर करूंगा वो ये रही। सबसे पहले आप देख सकते हैं
सामान्य हिंदी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, इनकी इंग्लिश की भी आती है और हिंदी की भी आती है। तो अगर आप पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश पोर्शन के लिए इनकी इंग्लिश की बुक काफी अच्छी है, तो आप लोग इनकी इंग्लिश की बुक भी ले सकते हैं। हिंदी की भी काफी अच्छी है, हिंदी की भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो बुक है वो आप देख सकते हैं, ल्यूसेंट की है, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी, और इसके अलावा है एस चांद की सरल सामान्य हिंदी। ये तीनों बुक्स काफी अच्छी हैं, तीनों में से जो आपको सही लगे वो आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो आपको डिटेल्स दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आपके काफी काम की होगी, और जो बुक्स आपको बताई गई हैं उनमें से काफी सारी बुक्स आपके पास पहले से होंगी, आप उनमें पहले से पढ़ रहे होंगे। जो बुक्स आपके पास नहीं है उनमें से आप कुछ ले सकते हैं, और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि लखनऊ आके तैयारी करना चाह रहा है तो लखनऊ आके तैयारी कर सकता है। 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आके आप ज्वाइन करें और 3 से 4 महीने में अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। लोग नहीं आ सकते वो मटेरियल लें, और जल्द ही जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है उसमें आप लोग ज्वाइन करें और घर बैठे अच्छी प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।